मैं कुछ स्टेटमेंट बोलता हूं, इन स्टेटमेंट को लिखिए, इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बात ध्यान रहे, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सारे स्टेटमेंट के जवाब सही देंगे। एक भी स्टेटमेंट का जवाब यदि गलत रहा तो जीरो मार्क। मैं चार स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, इनफैक्ट या तो आपको मिलेंगे चार में से चार या मिलेंगे चार में से जीरो। सारे सही हो गए तो चार में से चार, एक भी गलत हुआ तो जीरो। इसी समय स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तीसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चौथा स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन if it's elastic, if it's perfectly elastic। जरा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चारों स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ देता हूं, फिर आप सोचना चालू करो और फिर जवाब दो। पहला, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तीसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चौथा स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इलास्टिक कोलिजन is equal to kinetic energy after the collision if it is perfectly elastic, or kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the collision if it's perfectly elastic। यह चार स्टेटमेंट। अभी अभी किसी ने माइक लिया, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। अच्छा एक काम करते, क्या आप सभी ने आंसर लिख लिया?
चलिए कॉपीज एक्सचेंज कर लो, फटाफट बगल वाले से कॉपी एक्सचेंज कर लो, आप स्वयं चेक नहीं करोगे अपना आंसर, बगल वाले को पता होना चाहिए आपने क्या लिखा, एक्सचेंज कर लो सभी। तीन भी बैठे हो तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, दो बैठे हो तो बड़ा इजीली एक्सचेंज होता है। हाँ चलिए हम चेक करें, मैं आंसर बताता हूं। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों कैसे अभी समझाऊंगा मैं, अभी समझाऊंगा। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इफ इट्स परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब जरा देख लीजिए कितनों को चार में से चार आए, जितनों को चार में से चार आए हो जरा हाथ उठाओ एक बार। अब मैं समझाता हूं कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट है, मैंने कहा ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, ये गलत बता दिया। और आखिरी स्टेटमेंट में मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ये इस तरह से क्यों हो रहा है, ये झोल समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको समझना है। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, हम कह रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। ऐसा क्यों, देखिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड है, मोमेंटम थ्रोट कंजर्व्ड है, मोमेंटम में कभी कोई कमी नहीं आ रही है। मैं इस बात को समझाऊंगा, समझाते समय मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है, उसको देखना है। और इस बात को समझना है, हम सिचुएशन को समझने के लिए दो आइडेंटिकल मासेस का इलास्टिक कोलिजन को एनालाइज करते हैं। यह मास m जिसकी वेलोसिटी v1, और यह भी मास m जिसकी वेलोसिटी V2, आइडेंटिकल मासेस के इलास्टिक कोलिजन को हम एनालाइज करते हैं। अब हम रिजल्ट अच्छी तरह से जानते हैं, आफ्टर कोलिजन दे वुड एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। पार्टिकल वन की जो वेलोसिटी है वो फाइनली पार्टिकल टू की हो जाना है, और पार्टिकल टू की जो वेलोसिटी है पार्टिकल वन की हो जाना है। मगर यही हमारा सवाल है कि क्या यह वेलोसिटी का एक्सचेंज सचमुच में वाकई में जीरो टाइम में हो जाता है। हमने जीरो टाइम में इस फिनोमेना को होता हुआ मान लिया, मगर क्या वाकई में यह जीरो टाइम में होता है, कभी नहीं।
It's very small, negligible time, but it's never zero. मैं ग्राफ बनाता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ. मैं कलरफुल चॉक लेता हूं, और this is time axis and this is velocity axis. This is time axis and this is energy axis. अब यह पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ता है और इससे टकराता है, इस इंस्टेंट पर कोलिजन स्टार्ट होता है. और इस इंस्टेंट पर कोलिजन ओवर होता है. This is that delta t time, which would be very small, yet not ignorable. यह वह delta t time है, जिस बहुत छोटे से time में collision हो रहा है. This is that delta t time for which the particles remain in contact. इतने छोटे से समय के लिए पार्टिकल कॉन्टैक्ट में रहते, दोनों संपर्क में रहते. अब देखिए, जरा सोचिए, पार्टिकल वन की वेलोसिटी, दिस इज वी वन, कोलिजन के पहले जो थ्रू आउट वी वन थी, दिस इज वी वन. This is velocity of particle 1. Before collision. This is time before collision and this is time after collision. ये delta t time हमने assume कर लिया 0 है, बहुत छोटा है. जितना छोटा है उतना छोटा है, इसको आप कर दो, फिर भी कुछ तो रहेगा. लेट अस से 0.00000001 सेकेंड, इतना छोटा है ये, मगर फिर भी कुछ तो है. अब कोलिजन के पहले बॉडी वन की, यह बॉडी वन, इसकी वेलोसिटी वी वन, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी वी टू, कुछ का कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी वी टू हो जाएगी, दे एक्सचेंज दे वेलोसिटीज, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ वी टू. दिस इज वेलोसिटी वी टू, यह पार्टिकल वन की वेलोसिटी. This is velocity of particle 1 before collision and this is velocity of particle 2 after collision. Collision के दौरान क्या हो रहा होगा? Collision के दौरान particle 1 की velocity इस तरह से कम हो रही होगी, v1 से v2 हुई होगी. This is situation before collision
दिस इज सिचुएशन मैं इधर लिखता हूं बिफोर कोलिजन एंड दिस इज सिचुएशन आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन जिस दौरान दोनों पार्टिकल कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के साथ संपर्क में है यह पार्टिकल वन की वेलोसिटी का वेरिएशन कितना भी कम समय क्यों ना हो कम समय होगा तो विड्थ कम होती जाएगी मगर फिर भी कुछ फाइनाइट रहेगी ये जो वेलोसिटी वी1 से वी2 हुई है ये इस तरह से ये ग्राफ स्टीप होता जाएगा मगर ये वेलोसिटी में कुछ समय तो लगना है ये वेलोसिटी चेंज होने में अब जरा पार्टिकल 2 की वेलोसिटी सोचो पार्टिकल 2 की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी वी2 है पार्टिकल 2 की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी में ब्लू कलर चौक से बनाता हूं पार्टिकल 2 की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी वी2 दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 बिफोर कोलिजन कोलिजन के बाद क्या होएगा दे वुड एक्सचेंज देयर वेलोसिटी बिकॉज दे आइडेंटिकल मासेस जब अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा जरा देखो v2 की वेलोसिटी जो पार्टिकल 2 है पार्टिकल 2 इसकी वेलोसिटी अब v1 हो जाएगी कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी हो गई v1 यह कोलिजन के बाद पार्टिकल 2 की वेलोसिटी पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2 से बढ़के v1 पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2 से बढ़के v1 मगर कोई जीरो टाइम में तो नहीं होना है इस वेलोसिटी को ऐसे बढ़ेगी इतने फाइनाइट टाइम में वेलोसिटी इस तरह से बढ़ी ऑब्जर्व दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यह वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सबसे पहले ध्यान से देखो कितना भी इस डेल्टा टी को जीरो कर दो कितना भी कम कर दो फिर भी ऐसे वेलोसिटी इसकी कम होगी ऐसे वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी अब जरा हम देखते हैं इस डेल्टा टी टाइम के दौरान इन दोनों पार्टिकल्स की सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना क्यों ना मैं पार्टिकल वन को हमेशा येलो कलर चौक से बनाता हूं और इसकी वेलोसिटी को हमेशा येलो कलर से डिनोट करूं और पार्टिकल 2 को मैं ब्लू कलर चौक से बनाता हूं और इसकी वेलोसिटी को मैं ब्लू कलर से ही डिनोट करूंगा दोनों आइडेंटिकल मासेस है बात को समझने के लिए मैंने आइडेंटिकल मासेस ले लिए इसलिए बार बार मास नहीं लिखूंगा राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन दे आर अप्रोचिंग बिफोर कोलिजन दे आर अप्रोचिंग अब जरा देखिए दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को टच कर चुके हैं इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को टच कर चुके हैं जस्ट टच करते समय इसकी वेलोसिटी v2 जो कि कम है
और इसकी वेलोसिटी v1 जो कि अधिक है. They had just touched each other. अब क्या हो रहा है जरा देखो. पार्टिकल वन की वेलोसिटी ज्यादा है, पार्टिकल टू की वेलोसिटी कम है. इस वजह से यह जो पार्टिकल वन है, यह पार्टिकल टू को, पार्टिकल वन पार्टिकल टू को आगे की तरफ धक्का देने लगेगा. पार्टिकल वन पार्टिकल टू को आगे की तरफ फोर्स लगाने लगेगा. इस वजह से पार्टिकल टू की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी. यह देखिए पार्टिकल टू की वेलोसिटी बढ़ने लगी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा थी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी इसलिए वो उसको आगे धक्का देने लगा. और जब उसको आगे धक्का देने लगा मतलब आगे की तरफ फोर्स लगाने लगा, तो आगे वाले पार्टिकल की पर फोर्स लगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होने से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो ये देखिए पार्टिकल टू की वेलोसिटी बढ़ रही है. अब टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ. जितना फोर्स पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी की तरफ लगा रही है उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में आगे वाली बॉडी पीछे बॉडी की तरफ लगाने लगेगी. जितना फोर्स पिछली बॉडी आगे की तरफ लगा रही है उतना ही फोर्स अगली बॉडी भी पिछले बॉडी की तरफ लगाने लगेगी. मतलब बॉडी टू बॉडी वन को पीछे फोर्स लगा रही है. इस वजह से बॉडी वन की वेलोसिटी कम होने लगेगी क्योंकि बॉडी वन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इसलिए देखिए बॉडी वन की वेलोसिटी कम होने लगी. मगर जब तक बॉडी वन की वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो पीछे वाली बॉडी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और आगे वाली बॉडी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होगा. और पीछे वाली बॉडी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने से इस जगह पर एक डिफॉर्मेशन दिखने लगेगा. इस जगह पर एक डिफॉर्मेशन दिखने लगेगा. अगली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है v2 डैश, देखिए एरो मैंने बड़ा कर दिया, और पिछली बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है. यह देखिए v1 डैश, यह एरो मैंने छोटा कर दिया. बॉडी 2 पर पहले जो वेलोसिटी थी v2 वो मैंने बढ़ा के v2 डैश कर दी, थोड़ी बढ़ गई. और बॉडी वन की वेलोसिटी जो v1 थी वो v1 डैश थोड़ी ये भी कम हो गई. मगर अभी भी बॉडी टू की वेलोसिटी ज्यादा है, बॉडी वन की वेलोसिटी कम है. इस जगह पर देयर वुड बी डिफॉर्मेशन, हियर कॉलेजन स्टार्टेड, हियर कॉलेजन स्टार्टेड. इस जगह पर कॉलेजन इज रनिंग, इट्स ड्यूरिंग कॉलेजन. विल ऑब्जर्व
deformation. Deformation of bodies. Bodies ka deformation hoega. Is deformation ke dauran potential energy increases. Potential energy due to shape that increases. And kinetic energy decreases. इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्मेशन. हम कहते हैं कोई सी बॉडी जब डिफॉर्म होती है, जैसे यह कोई बॉडी है, इस बॉडी को यदि इस तरह से दबाया जाए, डिफॉर्म करा जाए, इस डिफॉर्म बॉडी में इस समय पोटेंशियल एनर्जी है. इसको डिफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ वर्क करा, कुछ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट करा, तब जाके डिफॉर्म हुई. जो भी कुछ मैंने वर्क करा वो इसके अंदर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है. तो दोनों बॉडीज डीफॉर्म हो रही हैं और इस डिफॉर्मेशन के दौरान दोनों बॉडीज डीफॉर्म हो रही है. इस डिफॉर्मेशन के दौरान इस जंक्शन पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. यह तब तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब तक डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है. एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी. अगली बॉडी की और पिछली बॉडी की, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी V2 डैश बढ़ते बढ़ते और इसकी वेलोसिटी V1 डैश कम होते होते. हियर वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल. Velocities become equal during collision. एक ऐसा समय आएगा, देखिए, during collision एक ऐसा समय आता है जब दोनों बॉडीज की वेलोसिटी बराबर हो गई. यह वह समय है. बॉडी वन की वेलोसिटी कम होते होते बॉडी टू की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बीच में एक ऐसा समय आ रहा है कोलिजन के दौरान जिस समय दोनों बॉडी की वेलोसिटी बराबर हो गई. Here, velocities become equal during collision. ये वहां समय है. V1 dash becomes equal to V2 dash. Relative velocity is zero. V1 dash equal to V2 dash. Relative velocity becomes zero. During this situation, deformation is maximum. Hence, इस समय पर भाई अब इसके बाद आगे वाली velocity ज्यादा आगे वाली body ज्यादा velocity से ज्यादा लगेगी, पीछे वाली body की velocity कम पड़ने लगेगी, तो फिर डिफॉर्मेशन कम होने लगेगा. इस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है. डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज
And hence potential energy is maximum. And hence potential energy is also maximum. And kinetic energy is minimum. Is condition per. जब दोनों वेलोसिटीज बिल्कुल बराबर हो जाएंगी कोलिजन के दौरान, दिस इज दैट सिचुएशन. इस सिचुएशन पर दोनों बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. V1 डैश V2 डैश दोनों बराबर हो जाएंगे इस सिचुएशन पर. इस कंडीशन पर, इस जंक्शन में जहां पर दोनों का कॉन्टैक्ट हो रहा है, इस कॉन्टैक्ट वाले जंक्शन पर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होएगा. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. अब जरा मैं इसको ग्राफिकली दिखाता हूं. ग्राफिकली क्या होएगा? काइनेटिक एनर्जी को मैं येलो कलर चौक से बनाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं ब्लू कलर चौक से बनाता हूं. एनर्जी वर्सेस टाइम, इसी कोलिजन के दौरान एनर्जी और टाइम का वेरिएशन कैसे हो रहा है देखिए. Before collision, kinetic energy. This is initial kinetic energy. Whatever is the value. Before collision, kuch finite value rehti hai. Ab during collision kya ho raha hai zara dekhiye. During collision, yah kinetic energy tezi se girti hai. Minimum value hoti hai. और फिर वापस बढ़ने लगती है. शार्पली ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी गिरती है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी वही बराबर. ऑब्जर्व दिस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ड्यूरिंग कोलिजन तेजी से काइनेटिक एनर्जी गिरी, मिनिमम हुई. मिनिमम तब हुई जब दोनों वेलोसिटीज बराबर. दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कंडीशन. अब जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसे. पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू जीरो, ड्यूरिंग कोलिजन तेजी से एकदम से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर गिरती है, फिर वापस जीरो पर आ जाती है. दिस इज द वेरिएशन इन पोटेंशियल. This is initial potential energy and this is final potential energy. Potential energy initially zero, collision ke pehle tak zero, theek collision jaise start hua. जैसे ही कोलिजन स्टार्ट हुआ बॉडी इसमें डिफॉर्मेशन होने लगा. बॉडी इसमें डिफॉर्मेशन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी. बढ़ते बढ़ते एक स्टेट ऐसी है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई. फिर वापस ये डिफॉर्मेशन कम होने लगेगा और दोनों बॉडी से एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी और पोटेंशियल एनर्जी फिर वापस कम होने लगेगी, फिर वापस जीरो हो जाएगी. अब यदि हम बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैं एक अलग कलर से बनाता हूं जो कि इधर लिख रहा हूं. दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हिच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन.
total mechanical energy remain constant throughout the collision. Total mechanical energy. अब उन चारों स्टेटमेंट को एक और बार देखें. मैंने सबसे पहले कहा मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन. परफेक्ट स्टेटमेंट. वो तो सबसे पहले जब कोलिजन स्टार्ट करा तभी कहा था मैंने. दूसरे वो ट्रू स्टेटमेंट है. दूसरे स्टेटमेंट में मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन. नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों जरा देखिए. काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन शार्पली डिक्रीज हो रही है. इसकी कुछ मिनिमम वैल्यू हो रही है फिर बढ़ के फिर वापस आई हो रही है. तो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान कंजर्व नहीं हुई. तीसरे स्टेटमेंट में मैंने कहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन. ये बिल्कुल सही है. देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन. थ्रू आउट द कोलिजन टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रही. फिर चौथे स्टेटमेंट में मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इफ इट इज परफेक्टली इलास्टिक. ये बिल्कुल सही है. बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वही आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रही इफ इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. जरा इस पूरे थियोरी को अच्छी तरह से देखें, इस ग्राफ को अच्छी तरह से देखें और मेरा एक सवाल नोट डाउन कर ले. यह असाइनमेंट के लिए दे देता हूं. अगला लेक्चर में इसी सवाल से स्टार्ट करूंगा. यदि यह आर्टिकल पूरा पूरा समझ में आया है और दिमाग लगा सकते हो तो आप इस सवाल को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे. थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. पहले इस आर्टिकल को नोट डाउन कर लो. सवाल तो मैं इधर ही छोटे से मैं लिख देता हूं. मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी v1, मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी v2. मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी v1, मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी v2. दे अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. दे अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. नाउ द क्वेश्चन इज what maximum fraction of energy is converted into potential energy during elastic collision? What maximum fraction of energy is converted into potential energy during elastic collision? इनका यदि elastic collision होता है तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होएगा. देखिए मैंने साफ साफ फिगर में दिखाया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ते हुए मैक्सिमम हुई, मगर ऐसा नहीं हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम हो गई. ऐसा नहीं हुआ. पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ी, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. वॉट इज दिस मैक्सिमम फ्रैक्शन? वॉट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन? कोलिजन के दौरान एनर्जी का मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. यह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? यदि मैं फ्रैक्शन देखूं तो मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या है? एग्जैक्टली इस आर्टिकल से मैं अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करवाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा.